स्लीपिंग ब्यूडी के नाम से यू माइट बी नोइंग स्टोरी जिसमें एक प्रिंसेस होती है हु इज बाय विच कि वो अपने बर्थडे पे मर जाएगी बट फेरीज ये कर्स को अल्ट करके वो प्रिंसेस को डीप स्लीप में भेज देती है एंड बोला जाता है कि कर्स तभी ब्रेक होगा जब एक प्रिंस आके प्रिंसेस को किस करेगा एंड देन शी विल वेक अप इसके अलग अलग वर्जन है कुछ में प्रिंसेस प्रिक्स हर फिंगर एंड फॉल्स स्लीप एंड देन प्रिंस कम्स टू ऑर रेस्क्यू बट ये स्टोरी का जो रियल वर्जन है ना दैट इज एक्चुअली वेरी डिस्टर्बिंग तो ये वर्जन जो है वो 1634 के साल में पब्लिश हुआ था एंड 1634 के बाद जो भी वर्जन आया है वो या तो ये वर्जन से इंस्पायर्ड है या कॉपीड है जस्ट एंडिंग चेंज कर दिया है क्योंकि डिज्नी नहीं नहीं तो इसे रिलीज नहीं कर पाता सो द स्टोरी दिस वे एक किंगडम था जहाँ पे एक राजा रानी रहते थे उन्हें एक लड़की हुई थी जिसका नाम टालिया रखा गया था फिर एक दिन उस किंगडम में एक वाइज मैन आया जो फ्यूचर देख सकता था तो उसने राजा को एक प्रोफेसी बताई कि तुम्हारी जो बेटी टालिया है उसकी यंग एज में मौत होगी और वो भी एक स्प्लेंडर लगने की वजह से ये प्रोफेसी सुनने के बाद राजा ने अपने किंगडम के सारे आदमियों को यह बोल दिया कि कोई भी ऐसी शार्प ऑब्जेक्ट जिससे टालिया को लग सकता है वो दिखाई देनी नहीं चाहिए तो इस वजह से महल से ऐसी सारी चीजें हटा दी गई देखते देखते टालिया बड़ी हो गई महल में उसे कोई खतरा नहीं था क्योंकि राजा ने सब वैसी चीजें निकाल दी थी पर एक दिन उसने महल के बाहर जब देखा तब उसे एक औरत दिखाई दी जो चरका चला रही थी तो टालिया वो देखने बाहर चली गई एंड जब वो उस औरत के पास खड़ी थी तभी एक स्प्लिंटर उस चरके में से निकल के टालिया के फिंगर नेल के अंदर फंस गया एंड जो प्रोफेसी बताई गई थी वो सच हुई टालिया जमीन पे गिर गई पर क्योंकि वो स्प्लिंटर अटक गया था फिंगरनेल के अंदर तो टालिया मरने की जगह एक ट्रांस लाइक स्टेट में चली गई थी फिर राजा के पास टालिया को ही हालत में लेके गए स्प्लिंटर निकालने के बाद भी टालिया होश में नहीं आई सबने राजा को बोला कि उसे दफनाना ही बेहतर है क्योंकि वो जिंदा नहीं है पर राजा ने उनकी बात नहीं मानी उसने छुपके से अपनी महल की दासियों को ये बोला कि टालिया को तैयार करो एंड एक सुंदर सा ड्रेस पहनाओ जिसके बाद टालिया को रेडी किया गया उसे एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस एंड ज्वेलरी पहनाया गया राजा फिर टालिया को लेकर जंगल में गए एंड वहा एक अबेंडेंट घर में उन्होंने उसे रख दिया एंड वो घर को बाहर से लॉक करके चले गए जंगल के उस घर में तीन फेरीज रहती थी जो टालिया का ध्यान रखती पर एक दिन क्या हुआ कि दूसरी जगह से एक राजा उस जंगल में आया था शिकार करने के लिए तभी उसे ये घर दिख गया और उसने वहाँ आराम करने का फैसला लिया घर बंद था तो इस वजह से वो विंडो से अंदर गया अंदर जाने पर उसे टालिया सोई हुई नजर आई वो प्रिंसेस की खूबसूरती देख के उसका दीवाना हो गया उसने उसे नींद से उठाने की काफी बार कोशिश की बट बहुत ट्राई करने के बाद भी वो नहीं उठी ke baad that king decided to take her to the couch and without consent sleep with her. Now I hope you got what happened here. He forced himself on her while she was sleeping. And agle din he just left. इस वजह से टालिया अपनी नींद में ही प्रेग्नेंट हो गई जो फेरीज थी उस घर में वो टालिया का ध्यान रखती महीने बीत गए वो किंग भी टालिया के बारे में भूल गया था एंड टालिया ने यहाँ दो बच्चों को जन्म दे दिया था फेरीज इन बच्चों का ख्याल रखती है उन्हें खाने को देती एंड वन फाइन डे ये जो दो बच्चे थे जिनका नाम सन एंड मून था उन्होंने टालिया की वो उंगली अपने मुंह में डाल दी जिसमें स्प्लिंटर लगने की वजह से वो नींद में गई थी एंड जैसे ही बच्चों ने ये किया टालिया नींद से उठ गई एंड उठने के बाद शी कि वो पहली जैसे एक सिंगल टीनेजर प्रिंसेस नहीं रही बल्कि टीनेजर मॉम बन चुकी है तालिया की नींद से उठने के बाद और कुछ महीने बीत गए एंड वो किंग जो हंटिंग को आया था जंगल में उसे अचानक से याद आया कि वॉट डिड इन द फॉरेस्ट दैट नाइट तो उसने सोचा कि वापस जाके देखता हूँ अगर वो ब्यूटीफुल प्रिंसेस उधर है कि नहीं तो वो जंगल में वापस गया बट इस बार टालिया सोई नहीं थी बल्कि जगी हुई थी एंड उसके हाथ में दो बच्चे थे जिसे देखने के बाद किंग समझ गया कि वो उसके ही बच्चे हैं। उसने टालिया को पूरी सच्चाई बताई कि हाउ ही स्लेप विद ये सिचुएशन में कोई भी नॉर्मल लेडी के गेट दी एंड किंग को पनिश करने का सोच बट टालिया उल्टा खुश हो रही थी शी रियलाइज आफ्टर हियरिंग ऑल दिस कि वो किंग से प्यार करती है बट किंग ऑलरेडी मैरिड था तो वो टालिया को अपने साथ महल में नहीं लेके जा सकता था सो so, अकेले ही वो वापस महल चला गया महल में जो किंग की वाइफ थी उसे उस पे शक होने लगा था कि ये बार बार कहा जाता है तो उसने किंग के सेक्रेटरी को धमकाया पता लगाया कि किंग कहा जाता है एंड जब क्वीन को यह अफेयर के बारे में पता लगा तब गुस्से में उसने अपने कुछ लोगों को जंगल में भेजा एंड राजा का आदेश है ये बोल के टालिया से उसके दोनों बच्चे छीन लिए सन एंड मून वो जो दो बच्चे थे उन्हें महल में लाके क्वीन के हाथ में दे दिया गया क्वीन ने फिर वो बच्चों को कुक के हाथ में दे दिया

टालिया जैसे ही महल में आई शी गॉट टू तो नो दैट किंग इज मैरिड उसने क्वीन को समझाने का ट्राई किया कि उसकी कोई गलती नहीं है वो तो तो डीप स्लीप में थी बट क्वीन को टालिया तो ही गलत लग रही थी शी टू पनिश हर वो उसे जिंदा जलाने वाली थी पर टालिया ने क्वीन से आखिरी ख्वाहिश ये मांगी कि आग में जाने से पहले शी वॉन्ट टू तो स्ट्रिप इट वॉज जस्ट हर टैक्टिक टू गेट सम मोर टाइम सो दैट शी कैन स्क्रीम एंड कॉल फॉर हेल्प एंड टालिया की आवाज अल्टीमेटली किंग ने सुनी एंड ही केम टू अर रेस्क्यू जब वो वहां पहुंचा तभी मरवा सेक्रेटरी को भी मरवा डाला मारने के लिए गया जिसने उसके बच्चों को कुक कर दिया था पर कुक एक्चुअल में अच्छा आदमी निकला उसने क्वीन के पागलपन में उसका साथ नहीं दिया था बल्कि सन एंड मून को छुपा के रखा था उनका खाना नहीं बनाया था तो किंग अपने बच्चों को वापस पाकर खुश हुआ उसने कुक को तोहफा दिया इसके बाद से किंग टालिया सन एंड मून सब खुशी खुशी रहने लगे स्लीपिंग ब्यूटी के इस वर्जन का नाम था दी सन द मून एंड टालिया दिस स्टोरी इज सो ट्विस्टेड लाइक इट इज डिस्टर्बिंग कि कैसे गलत चीजों को रोमांटिसाइज किया गया है नो वंडर डिजनी ये वर्जन दिखा नहीं पाया सो यहाँ दाद से डू लेट मी नो वॉट आर योर योट ऑन स्लीपिंग ब्यूटी आफ्टर हियरिंग टू दिस ट्रू वर्जन एंड यार रियल वर्जन है ये नॉट रियल स्टोरी एंड इफ़ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो ऑज ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस लाइक एंड शेयर कर और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें थैंक यू